पोहरी में शनिवार को महिला नर्स बनती। कैंप में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले में रविवार की सुबह तूल पकड़ लिया है। जिला अस्पताल पहुंचे मृतका के परिजनों ने मौत के कारणों का पता लगाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को पीएम रिपोर्ट और जाँच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल शनिवार को पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नर्स बनती कैंप का आयोजन किया गया था, जहाँ सर्जन डॉक्टर पीके खरे द्वारा 50 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए। इसी कैंप में नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची कौशल्या पत्नी सुमन आदिवासी उम्र 26 साल निवासी डांगवरवे की ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने महिला की कोई सूद नहीं ली। इसके बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर जब परिजनों ने डॉक्टर को सूचना दी तो डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद रविवार को जब परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, पुलिस अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। क्या नाम है तुम्हारा? ये आप जो सुबह सुबह ये जो क्या सब लोग इकट्ठे हो गए, क्या कुछ मांग रख रहे हो आप? मांग रख रहे हैं। हाँ, और इसकी सही पता तो चले कि मृत्यु कैसे हुई है। कैसे हुई? तो अगर जैसे आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या है इस चीज़ के पीछे? इस चीज़ के पीछे ऐसे तो 50 ऑपरेशन होता है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ, हमारे साथ ही हुआ है। क्या आपका मतलब आपको क्या लग रहा है ऐसा? डॉक्टरों की लापरवाही। और तो ये तो सीधा अपना पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। सर एक मामला सामने आया जिसमें महिला की नसबंदी के दौरान मृत्यु हो गई है और परिजन यहाँ पे हंगामा टाइप का कर रहे हैं, क्या कुछ सर ये पूरा मामला है? कल पोहरी में जो नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था महिला कौशल्या पत्नी सोवरन आदिवासी निवासी डांगवर, उसका ऑपरेशन के बाद उसका कुछ स्थिति गड़बड़ हुई तो वहाँ से उन्होंने शिवपुरी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, उसकी डेथ हो गई थी। उसको लेकर के अभी यहाँ पर उसके परिजनों का ये कहना था कि वहाँ पर ट्रीटमेंट या ऑपरेशन में कोई कमी रह गई या जो भी गलती हुई उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। अभी यहाँ पर मौके की कार्रवाई हो रही है, इसका पंचनामा पोस्टमार्टम इत्यादि, उसके बाद में जो कार्रवाई है उसमें वैधानिक रूप से उनके सब लोगों के ज्ञान साक्ष लेने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। पर अगर इसमें पीएम में कोई अगर डॉक्टर की लापरवाही इसमें होगी तो उस पर क्या कार्रवाई की होगी? कार्रवाई बनेगी, वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी।